गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का महाकाल की नगरी उज्जैन में। और अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए और टाइम हो रहा है 9:18। जा रहे हैं अभी हम लोग दर्शन करने के लिए। भैया अभी एटीएम में है। ये इसी रूट में हमारा 4th नंबर पे होटल है। इस दर्शन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो आगे कंटिन्यू करता हूँ। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। प्रत्येक वर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं। स्वयंभू भव्य और दक्षिणी मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्व है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसकी आरती भस्म से भी की जाती है। गाइस, यह है मेन मार्केट, मंदिर के सामने का मेन मार्केट, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं चढ़ाने के लिए। मेनली तो मखनदाना और ड्राई फ्रूट्स वगैरह यही प्रसाद चढ़ता है मेन। ये गाइस, हमने डाला लिया 100 रुपीज़ का। ये जो बड़ा बड़ा फूल है ये बाबा को चढ़ता है। और अभी हम लोग बस एंटर कर ही रहे हैं कॉरिडोर। यहाँ से आगे जाके वीआईपी लाइन भी है और जनरल लाइन भी। वीआईपी लाइन का 250 रुपये है। तो वीआईपी का सिस्टम हो गया यहाँ पे 250 रुपये प्रति व्यक्ति। शीघ्र दर्शन काउंटर। बड़े गणेश मंदिर और अवंतिका द्वार के पास बनी काउंटर से आप 250 रुपये में शीघ्र दर्शन की पर्ची कटवा कर 15 मिनट में महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। उसमें आप पैसे खर्च करके इजीली दर्शन पा सकते हो जल्दी। अपने जनरल लाइन में जा रहे हैं क्योंकि आज मंगलवार है, उतना भीड़ होगा नहीं शहर। अगर आप गर्भगृह में अंदर जाकर भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 750 रुपये की पर्ची लेनी पड़ेगी, जिसमें आप भगवान शिव को छूकर दर्शन कर पाएंगे। साथ ही साथ आप जल अभिषेक भी कर पाएंगे और जल अभिषेक करने के लिए आपको लोटा या जल वहीं से प्रोवाइड किया जाएगा। भीड़ तो वैसे आज भी है। ये मिल गए एंट्रेंस, महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग। ये रास्ता महाकाल लोक से होते हुए मंदिर की तरफ जाता है। देखो, अपने यहीं पे घूम रहे थे ना उस दिन। लंबी लाइन लगी हुई है। ये लेडीज लाइन है और ये जेंट्स। प्राचीन समय में उज्जैन का नाम अवंतिका हुआ करता था। इस नगरी में दूषण नामक राक्षस यहाँ के लोगों पर बहुत ही अत्याचार किया करता था। राक्षसों के अत्याचारों से पीड़ित होकर प्रजा ने भगवान शिव का आह्वान किया। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे और राक्षस का वध किया। कहते हैं प्रजा की भक्ति और उनके अनुरोध को देखते हुए भगवान शिव हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में विराजमान हो गए थे। दूषण राक्षस का वध करने के लिए भगवान शिव ने महाकाल का रूप लिया था, जिसके वध के बाद भगवान शिव को कालों का काल महाकाल कहा जाने लगा था। उज्जैन को लेकर मान्यता यह भी है कि शहर के मालिक या फिर राजा महाकाल हैं। इसी वजह से कोई भी बड़े नेता CM VVIP जैसे उज्जैन में रात को नहीं ठहर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी। भाई मैं ठीक मंदिर के बाहर हुई है। देखो मंदिर दर्शन कर लो हमारे, बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। मंगलवार का दिन है शायद, इसीलिए बहुत ही आराम से हो पाया सब कुछ।
बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गया गाइस, सुकून मिला वापस इतने समय बाद। उस दिन तो बारिश के चक्कर में ठीक से हम लोग रुक भी नहीं पाए, इतना प्यारा मंदिर। एक सेकंड बैक कैमरा से देखा, ये महाकालेश्वर पॉइंट्स है, दस ताबीज है, रुद्राक्ष माला है और इस तरफ बाबा जी का भस्म है। ये देखो, ये फुल पैकेज का दाम है 500 रुपये और छोटी वाली पैकेट भी थी उसे 200 रुपये का था। ये इसी को लेने में ज़्यादा फायदा है। महाकालेश्वर दर्शन के बाद हम लोग प्रांगण में जितने भी मंदिर है छोटे छोटे सभी में अभी दर्शन करने को आए हुए हैं। ये गाइस मंदिर के पीछे का नजारा, बहुत बड़ा मंदिर है गाइस। लाइसेंस का पहला प्रोजेक्ट है। बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं अंदर में। ये गाइस एग्जिट, हाँ अपने यहाँ से बाहर निकले। तो भाई इसके अंदर मिला हमें महाप्रसादम काउंटर और वहाँ से हमने लिया प्रसाद, जो कि 50 रुपये का प्रसाद में यहाँ पे लड्डू सिर्फ दो थे, तो 400 रुपये किलो थे, 50, 100, 200 और 400 के पैकेट अपने ले लिए। और यहाँ थोड़ा कॉस्टली है, बहुत सारे यहाँ काउंटर हैं, वहाँ से प्रसाद कलेक्ट महाप्रसाद लेकर डायरेक्ट मंदिर में एंटर कर सकते हो। ये देखो गाइस बस मारती की फ्री बुकिंग काउंटर, ये ठीक भारत माता मंदिर के पास। ये यहाँ से बुकिंग लेने से आपको फ्री में बस मारती की टिकट मिल जाएगी, ऑनलाइन लोगे तो 200 रुपये पड़ जाती है। सो गाइस महाप्रसादम लेकर हम लोग आ गए हैं रूम में और अभी आए हैं प्रसाद रखने, क्योंकि मेरा ये जो बैग है ना काफ़ी भारी हो गया है, मेरा है विजय भैया का प्रसाद है, तो प्रसाद रखते हैं और फिर तुरंत निकलते हैं काल भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। चलिए रास्ते में वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। गाइस अभी हम लोग ऑटो में हैं और यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है काल भैरव मंदिर, शहर से बाहर है। अभी हम लोग बैठ गए, 100 रुपये से नीचे कोई नहीं बोल रहा है यार, 50 रुपये सवारी है, 100 रुपये 100 रुपये। चलो 5 वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस फाइनली 5 किलोमीटर का दूरी तय करके हम लोग आ गए हैं। वेदर काफ़ी ठंडा लग रहा है यार, यहाँ तो खुला खुला है बहुत ही। हम लोग पहुँच गए हैं बाबा काल भैरव के दरबार, चलो चलते हैं मंदिर दिखाते हैं करते हैं दर्शन। बाबा यहाँ भी इतना भीड़ है, हाँ ये मंदिर 50, 100, 150, 100, 150, 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
100 ये 50। तेल चढ़ाने मिलेगा हाथ से? हाथ से चढ़ता है पंडित जी, दीप मालिका वहाँ पर रखा जाएगा। अच्छा अच्छा,
हमने ये डाला लिया है, ये 100 रुपीज़ का है। इसमें प्रसाद है, फूल है, और ये के दरवाजे पे लटकाने के लिए ये ब्लैक वाला जो नज़र आ रहा है। ये भी पहले पूरा ओपन था, लेकिन अभी बैरिकेड से रास्ता बना दिया गया। बस अपने पहुंचने वाले हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर यहाँ के राजा महाकालेश्वर बाबा हैं तो यहाँ के सेनापति काल भैरव को कहा जाता है। तो अगर आप महाकालेश्वर दर्शन करते हैं तो आप काल भैरव के दर्शन भी ज़रूर करें, अन्यथा आपके दर्शन को अधूरा माना जाएगा। और यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। गाइस फाइनली पहुँच गए हम लोग। यहाँ पर जूता का स्टैंड है, लोग हम लोग तो जहाँ डाला जहाँ से लिए हम लोग प्रसाद वहीं पर हम लोग ये कर दिए थे। फाइनली हमारे दर्शन हो गए काल भैरव बाबा के भी। यहाँ देखो लोग ये यहाँ बांध कर जाते हैं मन्नत के तौर पर। और यहाँ कितनी सारी नारियल है। जगह लोग नारियल बांध दिए हैं। यहाँ पे वैसे आरती होती है, इवनिंग आरती। फूल चढ़ाए के फेंके भगवान को, फूल फेंके कहीं आगे बढ़ जाओ, आगे आगे जाओ, यहीं जाओ आगे। ऐसा देखो मेला लगा हुआ है। तो गाइस फाइनली दर्शन हो गया हमारे कंप्लीट श्री काल भैरव बाबा के। और अभी हम लोग ऑटो 100 रुपीज लेगा वापस से महाकाल तक पहुँचाने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री काल भैरव लिखना ना भूलें, जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें। यहाँ लोग शराब भी चढ़ा रहे थे, बाबा को शराब चढ़ाए यहाँ पे, हम लोग ऐसा नहीं किए। और मुझे तो हंसी आ रही थी उस एक इंसान पर, सब छोटी छोटी बॉटल लेकर जाते, वो तो एकदम बड़ा सा बॉटल लेकर जा रहा था। तो एक ढक्कन ही चढ़ाते हैं लोग, बाकी लेकर रिटर्न घर को आ जाते हैं। गाइस भारत माता मंदिर।
आखिरी वो तो आखिरी नज़ारा था गाइस। फाइनली हमारा ट्रेन है शिप्रा से ही जा रहा हम लोग वापस हावड़ा, और ट्रेन है हमारा रात 1 बजे उज्जैन स्टेशन से। सो आई होप आपको महाकाल का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री महाकाल कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। चलो बाय बाय। कुछ समय में प्लेटफॉर्म